हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग माई मदर एट 66 पोएम जो कमला दास की लिखी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमला दास की एक अच्छी कलेक्शन जिसका नाम माधवी कुटी है, उसी का एक छोटा सा पोएम हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कमला दास के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो आप हमारे चैनल में जा करके कमला दास के बारे में एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं और कमला दास के बारे में डिटेल में जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो पोएम हमारे पास है माई मदर एट 66 जो कमला दास की है, वह काफ़ी फेमस पोएम है। इन्होंने एक माँ और एक बेटी के बीच जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो कमला दास की जो ये पोएम है ये दो स्टैंजा में डिवाइड है। हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर स्टैंजा वन में है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कमला दास अपनी माँ के साथ एक कार में बैठ करके खुद ड्राइव करते हुए वह एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उसी बात की इन्होंने चर्चा की है, वो एयरपोर्ट से किसी और स्थान के लिए वो जाने को थी इसीलिए वो जा रही थी। उसी समय ये क्या देखती हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा जो उनकी माँ ठीक उनके बगल में बैठी हुई थी, कार में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, उनकी माँ जो बगल में बैठी हुई है वह ऊँघ रही है, उनका मुंह खुला हुआ है, उनका जो चेहरा है वह ठीक एक कोप्स की तरह दिखाई दे रहा है। कोप्स कहें तो जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी का जो चेहरे का कलर होता है ठीक उनकी माँ का भी कलर उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज शी, और वह एक बूढ़ी महिला की तरफ दिख रही हैं क्योंकि उनका एज 66 ईयर्स ओल्ड हो गया है, तो वह बूढ़ी दिखाई दे रही है। बट लुक्ड बट सून पुट दैट थाउट अवे, और तुरंत अपने ध्यान को कमला दास वहाँ से हटाती हैं, अपनी माँ की तरफ से हटाती हैं और बाहर देखना शुरू कर देती हैं। स्टैंजा टू की चर्चा करें तो स्टैंजा टू में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने अपने माँ की कंपेयर किसी दूसरे चीज़ों से किया है। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। सबसे पहले वह अपनी माँ की कंपेयर जो है वह यंग ट्रीज से करती हैं जो पेड़ हरे भरे हैं, हरियाली को प्रस्तुत कर रही हैं, उससे अपनी माँ को वो कंपेयर करती हैं। सेकेंड थिंग है मेरी चिल्ड्रेन, वो खुशहाल बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और निकल करके दोस्तों के ग्रुप में जा करके खेलते हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, जो खुशहाली है वह देखी जा सकती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब उनकी माँ के साथ वो अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हैं और वहाँ सिक्योरिटी चेक हो रहा है। कमला दास अकेली हैं, उनसे कुछ ही दूरी में उनकी माँ खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर स्मून, उनकी माँ जो थोड़ी सी दूर में खड़ी है वह अपनी माँ की तरफ फिर एक बार घूम कर देखती हैं और वह उनको दिखाई ये देता है कि उनकी माँ का चेहरा एकदम पेल हो गया है, पीला पड़ गया है, चेहरे में धुंधली हो गई है उनका चेहरा, ठीक उसी तरीके से जैसे एक लेट विंटर स्मून जो शरद ऋतु में जो चंद्रमा होती है वह कुहासे के कारण रात के समय में धुंधली दिखाई देती है, ठीक उनकी माँ का चेहरा और उनकी जिंदगी जो है वो दोनों धुंधली हो गई हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और अपनी माँ का जो दर्द है उसे वो फील करती हैं, महसूस करती हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। बट ऑल आई सेड वॉज शी शू नम्मा डेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, लेकिन वह जो हमारी पोइट है कमला दास वहाँ कुछ करने में अनेबल है, कुछ कर नहीं सकती, वह सिर्फ और सिर्फ कहती हैं सी उशु नम्मा, और अपनी माँ की तरफ देख करके मुस्कुराती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं।